पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद पहुंचे परिवहन मंत्री अशोक कटारिया ने भाजपा की संगठन की रचना पर ही गर्व जताया है। उन्होंने कहा कि भाजपा संगठन की रचना बहुत ही सशक्त है, जिसकी वजह से हमारे सामने कोई भी नहीं टिक सकता। सपा और बसपा पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में किसी का भी कोई वजूद बाकी नहीं रह गया है। तो उन्होंने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस अब सर्वाइव नहीं कर पाएगी, प्रदेश में कांग्रेस वापस आएगी ऐसा संभव नहीं है। तो वहीं लखीमपुर खीरी मामले की जांच पर बोलते हुए कहा कि इस मामले में जांच हो रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे कानून के तहत काम किया जाएगा। तो वहीं अयोध्या में अरविंद केजरीवाल के द्वारा की गई राम पूजा पर टिप्पणी कसते हुए कहा कि ये लोग बरसाती मेंढक हैं। भगवान राम केजरीवाल को चुनावी वक्त में ही क्यों याद आए, भगवान राम की पूजा उन्हें हर वक्त करनी चाहिए। आपको बता दें कि एक निजी कार्यक्रम में परिवहन मंत्री अशोक कटारिया हिस्सा लेने पहुंचे थे। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी का अपना एक सुव्यवस्थित ढांचा है, संगठन है, कार्यशैली है, हमारी अपनी एक कार्य पद्धति है और भारतीय जनता पार्टी गांव-गांव तक अपना विस्तार किया हुआ है। उसने गांव के अंदर हमारी कार्य समिति है, कार्यकारिणी है, बूथ अध्यक्ष है, हमारे पास पूरी टीम और टोली है। इसलिए हमारे संगठन की रचना बहुत सशक्त है, हमारे सामने कोई टिकने की स्थिति नहीं है। इसके अलावा अभी केजरीवाल कल अयोध्या में जाकर भगवान राम की पूजा कर रहे हैं, इसका कहीं केजरीवाल को भगवान राम की पूजा आज ही क्यों याद आ रही है, जब चुनाव आ गया। इसलिए भगवान राम की पूजा उन्हें लगातार करनी चाहिए, उनको इससे पहले भी अयोध्या में आना चाहिए था। ये सब बरसाती मेंढक हैं और ये केवल और केवल चुनाव के समय में भगवान को याद करते हैं, उसके अलावा ये कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे भगवान के प्रति श्रद्धा इनकी दिखाई दे। अच्छा, आज लखीमपुर खीरी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ 3 ही जो चश्मदीद है वो नजर आए, जबकि वहाँ पर 5 से 6 हजार लोग। लखीमपुर खीरी मामले की जांच चल रही है और उस जांच के आधार पर जो भी जांच में आएगा वो कानून सम्मत काम होगा और कानून अपना काम करेगा। कांग्रेस के द्वारा भी लोग लुभावने वादे हैं जो किए जा रहे हैं, स्कूटी देने का वादा किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हालत सब देख चुके हैं, कांग्रेस का अब सर्वाइवल होना बड़ा मुश्किल है, कांग्रेस वापस आएगी ऐसा संभव नहीं है। आप ही के पेट्रोलियम मंत्री हैं, उन्होंने भी एक बयान दिया, उस पर क्या कहना है मंत्री जी? पेट्रोलियम मंत्री पर क्या कहना हो गया? पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।